Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the Indian folk painting. Last class we already discussed about the martial arts of India and Indian puppetry from art and culture. Now we are going to discuss about the Indian folk painting. So let's start it. As you know about the uh, India that india have a, already we have a lot of culture lot of uh, diverse things then in ancient india also they have to use that folk painting and art style तो यहाँ पे क्या है हम लोग का एंसेंट इंडिया में से ये शुरू हुआ था फोक पेंटिंग जो सब अपना अपना डाइवर्स कल्चर जो है हम लोग का वो शो कराने के लिए यहाँ करते थे देन ये प्रैक्टिस होता था अलग अलग कल्चर में देन अलग अलग स्टेट का भी अलग अलग है देन अलग अलग तरीके से वो यूज करते हैं देन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दस फोक आर्ट है जो आज भी यूनिक है और जिंदा है लोगों के पेंटिंग में तो आज भी हम लोग देखने को मिलता है मे बी इन कल्चरल फंक्शन और एनी काइंड ऑफ थिंग्स देन हम लोग इसे देखने को मिलता है देन इसे यूज करने के लिए नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है ये पेंट करने के लिए जैसे कि आजकल हम लोग का पेंट जो है वो हम लोग का आर्टिफिशियल और केमिकल का यूज करके पेंट किया जाता है बट ये वाला पेंटिंग जब भी यूज होता है देन नेचुरल कलर से ही इसको बनाया जाता है देन नेचुरल कलर क्या क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सॉयल मड लीव चारकोल कन्वास क्लोथ गिविंग इन सेंस ऑफ एंटीग्यूटी तो यहाँ पे क्या है सॉइल से भी करते हैं मॉड्स मर्ज से करते हैं देन लीप से भी किया जाता है चारकोल से किया जाता है कन्भास से किया जाता है ये अलग अलग कलर का आता है वेजिटेबल से भी किया जाता है देन ये सब क्या है वॉल में वॉल के ऊपर किया जाता है या फिर क्लोथ के ऊपर किया जाता है या फिर फ्लोर में किया जाता है तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है हम लोग का हम लोग सबसे पहले देखेंगे मधुबनी देन मधुबनी कौन सा ये का है स्टेट का है तो ये हम लोग का बिहार का है ठीक है देन जब ये शुरू हुआ था इसका नाम पहले था मिथिला और ये कहाँ पे शुरू हुआ था जनक का किंगडम में मतलब आ, ए, रामायण में हम लोग जो रामायण में देखे जाता है सीता का जो पिताजी रहते हैं उसका किंगडम में यह किया जाता है जनक वो कहाँ पे है इन नेपाल और प्रेजेंट डे और इस आ, बिहार में है नेपाल और बिहार बॉर्डर में ये आता है देन ये मधुबनी बिहार में एक्चुअली हम लोग का इंडिया का बिहार में होता है और ये क्या है एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म है जो अभी भी लोगों के ये में दिल में बसा हुआ है और हर एक कल्चरल फेस्टिवल में और ऐसे मैरिज टाइम में ये सब में इसे यूज करते हैं और ज़्यादातर क्या करते हैं इसे औरतें ये अपने घरों में बनाती है गॉड का आ, आर्ट बनाती हैं या फिर कोई भी मतलब जो नेचर से रिलेटेड हो ऐसा कुछ आर्ट ड्राइंग बनाती हैं घर में रूम के अंदर बनाती हैं और घर के बाहर में वॉल में बनाती हैं और ये क्या है ये हम लोगों किसी से हम लोग सीखते नहीं बट हम लोग का जनरेशन से हम लोग धीरे धीरे सीखते आते हैं वो कोई बुक में या फिर कोई ये में नहीं होता है हम लोग धीरे धीरे अपने जनरेशन से सीखते आते हैं जो ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन तक ये धीरे धीरे ट्रांसफर होता है हम लोग का जितना भी पेंटिंग है तो इसका पैटर्न कैसे होता है ज्योमेट्रिक का पैटर्न भी रहता है और ये ये के बारे में भी दर्शाता है और ब्रिटिश इसको कब के थे ब्रिटिशर भी इसको डिस्कवर किए थे कब इन 1930 में जब ये हुआ था उस समय इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताए थे देन ब्रिटिशर का टाइम में भी बोलो का ये क्या था पेंटिंग का पिकासो पेंटिंग और मेरो पेंटिंग तो उसी से, से मिलता जुलता ये भी एक वाल मुरल मुरल पेंटिंग के हिसाब से लिया जाता था देन हम लोग का दूसरा आ जाता है मिनिएचर पेंटिंग ओके मिनिएचर पेंटिंग ये क्या है मुगल के टाइम में ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था देन उस समय का ये है और वहाँ पे क्या है मुगल राजाओं का जो दरबार ये सब का पेंट किया जाता था देन ये सिक्सटीन सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था देन ये क्या है शाहजहां और अकबर के टाइम में ये बहुत ही अच्छा से फ्लोरिश होने लगा और राजपूत घराने में भी राजस्थान में भी बहुत सारे लोग राजाओं ने इसे बहुत एक्सेप्ट किया और इसको ये करने शुरू कर दिए डेवलप इसका डेवलप करना शुरू किया और बहुत सारे जगह जगह में भी पहुंचाए तो ख़ास तौर से हमें राजस्थान में मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिलता है देन पार्ट देन ये हम लोग का अलग है ये कौन सा जगह का है ये भी राजस्थान का ही ये भी अलग पेंटिंग है ये भी क्या है राज दरबार का जो है वो सभी दिखाया गया है देव नारायण और बाबू इसका डीटी के बारे में यहाँ पे दर्शाता है पेंटिंग में दिखाता है और ये पेंटिंग का साइज कैसे रहता है थर्टीन टू फिफ्टीन फीट लॉन्ग रहता है और ये क्लोथ के ऊपर या फिर कनवास में किया जाता है पेंट किया जाता है और इसको पेंट करने के लिए स्पेशली वेजिटेबल कलर का यूज किया जाता है देन हम लोग का वार्ली पेंटिंग है थर्ड नंबर में तो ये वार्ली पेंटिंग कहाँ का है वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया का है वार्ली पेंटिंग ये 2500 थाउजेंड फाइव में इसका शुरू हुआ था देन हम लोग आजकल भी देखते हैं बहुत सारा टाउन में बाहर में क्या है हम लोग का पेंटिंग को जिंदा रखने के लिए बोल के बहुत सारा स्ट्रीट में ये सब में वाल में ये पेंटिंग को किया जाता है ज़्यादातर रेलवे स्टेशन में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारा रेलवे स्टेशन में है तो इवन इन भुवनेश्वर में भी हम लोग कहीं पे भी जाएंगे तो इस तरह का पेंटिंग हम लोग देखते हैं हर जगह इस तरह का पेंटिंग और ये क्या है ओडिशा का सोरा पेंटिंग में भी आता है इस तरह का पेंटिंग और इसका कैसे रहता है ये जब पेंट करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कैसे रहता है डार्क कलर का रहता है रेड कलर डार्क रेड कलर का रहता है और ऊपर में वाइट कलर से इसे पेंट किया जाता है ये देख लीजिए बैक साइड में रेड कलर होके हैं एकदम डार्क रेड कलर और ऊपर में वाइट कलर से पेंट किया गया है ओके देन दूसरा हम लोग का है गोंडाला गोंड पेंटिंग तो इसका कैसे है ये भी मध्य प्रदेश का है और ये बहुत ही बोल्ड होता है पेंट और ज़्यादातर फोना और फ्लोरा के बारे में डिस्क्राइब किया रहता है जैसे कि बहुत सारा पेंटिंग में हम लोग का गॉड के बारे में रिलेटेड रहता है जैसे मधुबनी में भी गॉड के बारे में था लेकिन यहाँ पे क्या है मिनीचर में भी गॉड को रिलेटेड करके बनाते और राजाओं का था लेकिन यहाँ पे वाला में फ्लोरा और फोना का ज़्यादातर दिखाते हैं मेन ये लोग का रहता है बिकॉज ये लोग क्या है ट्राइबल लोग हैं और गौन ट्राइबल अपना पेंटिंग को अपना मतलब नेचर के हिसाब से अपना कल्चर के हिसाब से बोलो इसमें ये करते दिखाते हैं देन कलमकारी तो ये कलमकारी हम लोग का आंध्र प्रदेश का है और ये यहाँ पे क्या है इसका लिटरली मीनिंग ये क्या है ड्राइंग विथ है पेन ओके पेन से बोलो इससे कलम मीन्स पेन होता है कलमकारी मीन्स पेन से जो लिखा वाला ड्रॉ किया है देन ये क्या है मछलीपट्टनम में इसका ऑरिजिनेट हुआ था ये कहाँ मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है एंड श्री काला हट्टी यहाँ पे इसका ओरिजिनेट हुआ था देन ये भी प्रिंट करने के लिए क्या है फैब्रिक के ऊपर में प्रिंट करते हैं पेन से प्रिंट करते हैं ड्राइंग करते हैं और ये आजकल कहाँ पे है कलमकारी आर्ट इज यूज ऑन साड़ी एंड इथिनिक क्लॉथ ओके साड़ी में ज़्यादातर हम लोग को इस तरह का डिजाइन मिलता है और इथनिक क्लॉथ में मिलता है और ये कौन सा चीज के बारे में दर्शाता है महाभारत और रामायण के बारे में दिखाता है और फ्लोरा और फोना के बारे में भी दिखाता है ड्रॉ किया जाता है देन तंजौर पेंटिंग और इसे तंजावुर पेंटिंग भी कहा जाता है इसका ओरिजिनेट कब हुआ था 1600 एडी में हुआ था और कौन इसे इंकरेज किया था नायक ऑफ तंजावुर ओके okay, देन इसका कलर कैसे होता है एकदम गोल्डन कलर का होता है गोल्डन फॉइल से पेंट किया जाता है देन ग्लिटर यूज किया जाता है और क्या यूज करते हैं ब्रश से इसको बनाते हैं देन इसका ज़्यादातर क्या होता है गॉड गौर और गॉडेस का ऊपर में ये किया जाता है ऊट का एक प्लेट में इसे पेंट किया जाता है बड़ा सा ऊट वाला ये में पेंट करते हैं और इसे घरों में आ, सजा के रखते हैं देन ये क्या कहाँ से लिया है ये मराठा और डिकानी आर्ट से लिया आला है ये इसको बोरो किया है वो से और ये पहले साउथ इंडिया में नहीं था ये कहाँ से था मराठा और डिकानी आर्ट था यूरोपियन स्टाइल में तो वो लोग इसे बोरो किया है देन दूसरा हम लोग का है चेरियल स्क्रोल्स और ये भी क्या है औरिजिनेट हुआ था तेलंगाना में पहले तो आंध्र प्रदेश में अभी डिवाइड हो गया है तो तेलंगाना में ये ऑरिजिनेट हुआ है देन कहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है नाकाशी फैमिली ओनली वो लोग प्रैक्टिस करते हैं नाकाशी एक कम्युनिटी है वो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं और वो अपना जनरेशन को क्या है पास कर रहे जाते हैं पास डाउन होता है जैसे कि कोई फैमिली का जो बड़ा आला वो जानते हैं देन उसका नेक्स्ट uh, जनरेशन को वो सिखाते हैं देन धीरे धीरे क्या है वो उसका कम्युनिटी में वो स्प्रेड है और बाहर किसी कोई नहीं करते हैं इसको देन ये कलमकारी आर्ट इन्फ्लुएंस द चेरियल स्क्रॉल और ये कलमकारी आर्ट्स कहा जाता है इसे भी बट इसका नाम क्या है चेरियल स्क्रॉल कहा जाता है और ये बहुत ही स्टाइलिश रहता है और नकाशी आर्ट कहा जाता है इसे देन इसका साइज भी कैसे रहता है फोर्टी टू फोर्टी फाइव फीट रहता है और ज़्यादातर इपिक के बारे में नारेड करके इसे ड्राइंग किया जाता है देन मॉडर्न डे कॉमिक पैनल्स विथ बोथ फिफ्टी ऑन ईच रोल ओके देन आजकल क्या है ईच क्रोल में एक एक पेंटिंग में फिफ्टी तक रहता है उसका आ, जो पिक्चर देन द यूज प्राइमरी कलर एंड विविड इमेजिनेशन ए स्टॉर्क कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल राइगर्स ऑफ तांजोर और मैसूर पेंटिंग देन ये क्या है प्राइमरी कलर यूज किया जाता है इसे करने से ये देखिए ये इसके अंदर कितने सारे पिक्चर है एक स्क्रॉल के अंदर कितना रहता है फिफ्टी पिक्चर रहता है ये लोग का ओके हम लोग का कालीघाट पेंटिंग ये कहाँ का है बेंगोल का है नाइनटीन सेंचुरी का ये यहाँ पे पिक्चर देखने से हमें पता चल रहा है क्या ये कहाँ का होना चाहिए बेंगल का हो सकता है ये देखिए इस पिक्चर में ओके okay? देन बेंगली पोशाक पहने हुए हैं और ये 19 सेंचुरी में हुआ था और ये इसको भी क्लोथ के ऊपर भी और पट्टा के ऊपर पट्टा मीन्स एक स्लेट के ऊपर भी बनाते हैं देन दूसरा वाल के ऊपर भी इसे किया जाता है पेंट किया जाता है देन गॉड और गोडेज के बारे में ज़्यादातर इसमें दिखाते हैं और सोशल रिफॉर्म के बारे में इसमें पेंट किया जाता है जिससे कि सोशली लोग क्या हो सके इन्फ्लुएंस हो सके कि आजकल हम लोग का सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में लोग जान सकें और इसे ये करने के लिए क्या करते हैं चिप पेपर एंड पेंट कलर चिप एकदम चिप सा पेपर लेते हैं और पेंट कलर लेते हैं और स्क्ल हेयर ब्रश से वो पेंट करते हैं और कलर क्या रहता है पिगमेंट रहता है इसका ओके करेक्टराइज बाई फ्लोलेस स्ट्रोक और वो कैरेक्टर का हिसाब से वो स्ट्रोक से यूज करते हैं ब्रश का वर्क होता है यहाँ पे और बहुत ही बोल्ड ड्राइंग रहता है और ज़्यादातर क्या है पहले क्या करते थे जो ज़मींदार रहते थे बंगाल का वो लोग क्या करते थे वाइन ये सब ड्रिंकिंग करते थे तो उस बारे में भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं और विमेन ये सब के बारे में भी थोड़ा बहुत दिखाया जाता है ओके देन पाट्य चित्र ये क्या है ओडिशा का है और वेस्ट बंगाल का भी है देन ज़्यादातर ओडिशा में इसको किया जाता है जो ये के बारे में गॉड गोड और गोडेज के बारे में ज़्यादातर दिखाते हैं इसमें और ये कपड़ा में भी होता है देन वाल में भी इसको पेंट किया जाता है और जब पेंट करते हैं देन चारों तरफ इसका बॉर्डर भी रहता है यहाँ पे देख लीजिए ये देखिए बॉर्डर रहता है और अंदर में करते हैं साड़ियों में भी इस तरह का यूज किया जाता है देन वॉल में भी जब भी करते हैं तो चारों तरफ इसका बॉर्डर लगा के रहते हैं इस तरह का बॉर्डर होता है देन बॉर्डर के अंदर में ये पेंट किया जाता है और हम लोग इसका कहां पे ये करते हैं अब फिफ्थ सेंचुरी में कहाँ पे हुआ था ये पूरी और कोनार्क में इसका ओरिजिनेट हुआ था वहाँ रिलीजियस पर्पस से वहाँ पे जो गॉड है उसका पिक्चर और उसका ये बनाने के लिए ड्राइंग बनाने के लिए ये यूज किए थे और वहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ था देन मुगल एरा में भी बहुत इसका प्रसिद्ध हुआ था देन हम लोग का टेन फोक आर्ट ख़त्म हुआ फोक पेंटिंग तो इसका अगर आप लोगों को ये चाहिए मेमोरी ट्रिक चाहिए तो मैं इसको लेके कर आऊँगी नेक्स्ट क्लास में देन कल हम लोग का तो आने वाला है ये के बारे में जो टेस्ट सीरीज़ हम लोग का चल रहा है एम सी क्यू देन कल मैं एम सी क्यू ले आऊँगी और कोशिश करूँगी उसका नेक्स्ट डे में इसका मेमोरी ट्रिक लेके कर आऊँगी तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि शेयर लग शेयर करने का कोई रुपया नहीं लगता है बट जिसके पास पहुंचेगा उसका रुपया बच सकता है बिकॉज आजकल का ये प्रॉब्लम का वजह से बहुत सारे लोग क्या है कोचिंग सेंटर में नहीं रह पाते हैं कोई कोई घर में लौट के आ चुके हैं कोई हॉस्टल में रह रहे हैं बट कोचिंग फीस एफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो लोग के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा देन आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि वो लोगों तक पहुँच सके जिसको इसका ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए अलग अलग आप लोग का जो भी ये है फेसबुक हो या फिर व्हाट्सअप ये सब से भी आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हो तो इससे क्या है लोगों का रुपया बच सकता है और वो लोग को हेल्प भी हो सकता है और दूसरा क्या है हम लोग का जो भी ये है वीडियो में बना रही हूँ वो सब क्या है ये हम लोग का जितना भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और गवर्नमेंट जॉब बेस के लिए है एग्जामिनेशन के लिए है तो आप लोग ये कीजिए क्योंकि मेरा ये आर्ट एंड कल्चर मैं जब ख़त्म कर दूँगी तो मैं दूसरा लेके कर आऊँगी वीडियो पॉलिटी का इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री जोग्राफी ये सब ले कर और मैथ भी लेकर आऊँगी तो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय